तेलंगाना के मेडचल में पुलिस ने चार ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया और गांजा समेत हैश ऑयल बरामद किया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस ने दो अलग अलग ऑपरेशन में लगभग 222 किलो गांजा और 2 लीटर हैश ऑयल बरामद किया है। दिल्ली के उस्मानपुर क्षेत्र में एक कचरा गोदाम में आज आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसके चलते एक दमकल अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और आग पर पूरा काबू पा लिया गया है। गुजरात के सूरत में मजदूर वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए पुलिस ने एक एनजीओ के साथ मिलकर एक देखभाल केंद्र खोला है। पुलिस अधीक्षक उषा राडा ने बताया कि जिन बच्चों के माता पिता मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं उनके बच्चे घर पर अकेले रहते हैं, इन बच्चों के लिए ये केंद्र खोला गया है। इस केंद्र में लगभग 68 बच्चे आते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार 14 मार्च को यूक्रेन की सेना ने रूस के डोनेस्क इलाके में एक अवसाई परिसर में टोचका यू मिसाइल दागी, जिसके बाद 20 लोगों की मृत्यु हो गई और 28 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वह रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराएंगे, यूक्रेन के शरणार्थियों को अमेरिका में अनुमति देंगे और वहां पैसा, भोजन और अन्य मानवीय सहायता भेजेंगे। होली से पहले महाराष्ट्र के नागपुर में लोगों ने होली के रंगों की जमकर खरीदारी की। एक विक्रेता ने बताया कि 2 साल से कोविड की वजह से उद्योगों को जो नुकसान हो रहा था इस बार वह पूरा हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पार्टी के संस्थापक काशीराम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। हिजाब विवाद के मद्देनजर कर्नाटक के उडुपी जिले में 14 फरवरी की सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक CRPF की धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी कुरवा राव एम ने कल घोषणा की थी कि जिले के सभी स्कूल और कॉलेज 15 मार्च को बंद रहेंगे। चीन में कोविड के 5,280 नए मामले दर्ज किए गए, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा हैं। बता दें कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला प्रांत जिलिन है और नए उछाल की वजह से कम 10 शहरों और काउंटियों को बंद किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,568 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4,722 लोगों की रिकवरी हुई और 97 लोगों की कोरोना से मौत दर्ज की गई।